मैनेजमेंट uh, so, की जो हमने सीरीज स्टार्ट किया उसमें हम छह चैप्टर कर चुके हैं तो दिस इज चैप्टर नंबर सेवन मार्केटिंग एनवायरनमेंट सो लेट स्टार्ट व्हाट इज मार्केट एनवायरमेंट मार्केटिंग एनवायरमेंट होता क्या है देखो बेसिकली बेसिकलीट वो होता है जो चीजें हमारे कंट्रोल में

उस कंपनी के सप्लायर्स कंपनी के कस्टमर्स और कंपनी के मार्केट इंटरमीडिएटरीज तो भाई ये वो सारे लोग हैं जिन पे कंपनी का कंट्रोल होता है तो ये ऑटोमेटिकली बन जाते हैं माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट माइक्रो एनवायरमेंट वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल हैं ऑर्गेनाइजेशन का जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है उल्टा इन फैक्टर्स की मदद से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ जाता है तो देखते हैं एक बार कौन से सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल नेचुरल तो भाई डेमोग्राफिक फैक्टर्स हम पहले कवर कर चुके हैं एज जेंडर ऑक्यूपेशन पॉलिटिकल भाई पॉलिटिकल आपको पता ही है जो भी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन कल्चरल मतलब के उस कल्चर के लोग क्या पसंद करते हैं टेक्नोलॉजिकल मतलब के क्या टेक्नोलॉजी इस लेवल पे एडवांस हो चुकी है किस लेवल पे आज की डेट पे पहुंच चुकी है उसके बाद इकोनॉमिकल एंड नेचुरल में क्या आ जाएंगे इकोनॉमिकल और नेचुरल वो सारे फैक्टर्स हैं लेट्स सपोज नेचुरल नेचुरल में हमारा uh, या फिर या कुछ भी होता है ठीक है आगे चलते हैं एनालिसिस ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट तो भाई इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं पहला है हमारा डेमोग्राफिक जिसमें आ जाएगा हमने बात करी एज सेक्स ऑक्यूपेशन साइज ऑफ डेंसिटी लोकेशन तो भाई डेमोग्राफिक फैक्टर्स में हमारे ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे इकोनॉमिक में आ जाएंगे हमारे, likely, हाँ, वो सारे हो जाएंगे हमारे जैसे कितना लोग खर्च करना चाहते हैं कैसा खर्चा करते हैं और कितना परचेजिंग पावर है कितने खरीदने की शक्ति है उनके पास नेचुरल में सारे वो आ जाएंगे ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस कितनी है क्लाइमेट कैसा है इकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो ये नेचुरल में आ जाएंगे पॉलिटिकल में आ जाएंगे क्या उनके वैल्यूज है परसेप्शन है और बिहेवियर है प्रेफरेंसेस क्या है सोसाइटी की तो ये सारे सोशो कल्चरल में आ जाएंगे और पॉलिटिकल लास्ट में हमारा आ, आ जाएगा लॉ गवर्नमेंट एजेंसी प्रेशर ग्रुप एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इसमें देखते हैं क्या दे रखा है इसमें हमारे पास दे रखा है दैट और वेयर द डेटा इज रिलेटेड टू मार्केटिंग इज गैदर्ड एंड स्टोर्ड एनालाइज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनेजर्स इन अकॉर्डेंस नीडेड ऑन रेगुलर बेसिस भाई सारी इन्फॉर्मेशन जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर कौन कौन है हमारे कस्टमर क्या चीज पसंद करते हैं क्या लेना चाहते हैं क्या क्या उनको प्रमोशनल एक्टिविटीज पसंद है क्या उनको डिस्काउंट्स पसंद है किस टाइप के कस्टमर्स क्या चीज पसंद करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगी उसमें आ जाएगा तीन फैक्टर्स हैं डिपेंड्स ऑन तीन फैक्टर्स पहला है इंटरनल डेटा भी हमारे कौन से कस्टमर है हाउ मेनी कस्टमर्स डू वी हैव कंपनी की वेबसाइट पर कौन कौन विजिट करता है उनमें से कितने लोग खरीदते हैं और कस्टमर्स के बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल डेटा बेट जो हमारे कस्टमर्स है कॉम्पिटेटिव मार्केट इंटेलिजेंस में आ जाएगा भाई कॉम्पिटेटर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेवेलप की जाती है मार्केटिंग एनवायरमेंट बनाया जाता है मेन एम इज टू स्टडी मार्केटिंग एनवायरमेंट फॉर द कस्टमर जितना भी डेटा बाहर से कलेक्ट करते हैं कॉम्पिटेटर से कलेक्ट करते हैं कॉम्पिटेटिव मार्केटिंग इंटेलिजेंस में आएगा और थर्ड वाला है हमारा मार्केटिंग रिसर्च द द डिजाइन, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग, दिस्टमेटिक्स परचेज बिहेवियर एंड सेटिस्फेक्शन रिसर्च करना है हमारे स्टडी करनी है मार्केट का भाई किस टाइप के कस्टमर्स मार्केट में है क्या सिचुएशन है और uh, क्या वो चीजें पसंद करते हैं उनके क्या मोटिव्स हैं उसको स्टडी करना इसमें मार्केटिंग रिसर्च में हम करते हैं तो प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या आ जाएगा पहला हमारा दे रखा है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग में डिफाइनिंग द प्रॉब्लम भाई क्या प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन कस्टमर ढूंढ रहा है डिवेलपिंग रिसर्च प्लान रिसर्च प्लान मतलब कैसे हम उसको पता लगाएंगे कैसे हम अपनी स्टडी को रिसर्च को कंडक्ट करेंगे कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे एनालाइज करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड डिसीजन कैसे लिया जाएगा तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कौन सा वन टू थ्री फोर फाइव अब आ जाएगा मार्केट डिमांड क्या होती है भाई मार्केट डिमांड होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ कस्टमर वुड लाइक टू परचेज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट भाई कितना सामान खरीदना चाह रहे हैं कितना सामान लोग परचेज करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इट इंक्लूड्स डिमांड फॉर प्रोडक्ट

और पोटेंशियल मार्केट भैया ये होता है टोटल मार्केट डिमांड प्लस पोटेंशियल बायर्स टोटल मार्केट डिमांड तो भैया आपने पहले पढ़ लिया कि कितने लोग आज की डेट में खरीद सकते हैं खरीदना चाह रहे हैं और खरीद भी रहे हैं और पोटेंशियल है कि भाई खरीदना तो चाह रहे हैं बट अभी वो खरीद नहीं रहे हैं एग्जिस्टिंग ओनर्स तो हो गए हमारे मार्केट डिमांड में पोटेंशियल ओनर वो है जो अभी नहीं है जिसके पास लेकिन वो खरीद सकता है एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे भाई आज के डेट में जिन जिनके पास गाड़ियां हैं वो एग्जिस्टिंग ओनर्स है कार इंडस्ट्री के ठीक है बट पंद्रह लाख सपोज उनके पास इनकम ग्रुप है बट कई जिन, जैसे जिन्होंने नहीं ली, ली हुई कार तो वो पोटेंशियल कस्टमर है उनके पास पैसा है खरीदने का बट वो ले नहीं रहे हैं तो वो पोटेंशियल कंपनी सेल्स फोरकास्ट इसमें क्या आएगा वंस टू चूज द मार्केटिंग एफर्ट्स भाई अब मैंने तो भाई फोरकास्ट तो कर लिया कि इतना हमारा डिमांड होने वाला है अब मार्केटिंग एफर्ट कौन से चूज करें हम कैसे अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे सेल करें फेसबुक पे बेचें या फिर टीवी पे ऐड दें टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल फोरकास्टिंग एंड सेल्स बजट तो भाई दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन से सेल फोरकास्ट कितना सेल होने वाला है और उससे रिलेटेड कितना बजट हमें बनाना है कंपनी सेल्स पोटेंशियल मैक्सिमम लेवल ऑफ सेल दैट कंपनी कैन एक्सपेक्ट टू अचीव इन अ फोरकास्टेड पीरियड विद द with its present planned level of marketing efforts and expenditure in a given set of market conditions भाई देखो इसमें सिंपल सी बात है। कंपनी का कितना पोटेंशियल है वो कितना सामान एक साथ कितना प्रोडक्ट बेच सकती है एक गिवन पीरियड में तो ये हमारा कंपनी सेल्स पोटेंशियल हो गया अब आ जाएगा हमारा अगला है फोरकास्टिंग मेथड तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाने वाला आपका पेपर में क्वेश्चन है डायरेक्ट तो कॉन्टेक्ट कैसे कैसे पूछो, पूछो, में, में रहेगा उसको इन्फॉर्मेशन तो रहेगी ना कस्टमर की तो फिर उससे ज्यादा अच्छा पर्सन कोई नहीं हो सकता तो उनसे पूछो मेंबर्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन आर टू एस्टिमेट फॉर द डिमांड जो भी मार्केटिंग पर्सन है उनसे पूछो भाई कितना सामान बिकने की आशंका है कितने की चांसेस हैं सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन आस्किंग द पोटेंशियल बायर व्हाट दे थिंक ऑफ आवर प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के बारे में आप क्या सोचते हो सर्वे करो कस्टमर से डायरेक्टली पूछो क्या आप खरीदना चाहोगे इन फ्यूचर एक्सपर्ट ओपिनियन भाई ये कुछ ना ऐसी कंपनीज कुछ ऐसी मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो पैसा लेना चाहेंगी और पैसा लेने के बदले में वो आपको प्रेडिक्ट करेंगी वो आपको हेल्प करेंगे एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ ऐसे मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होंगे मार्केटिंग गुरु होंगे जिनसे आप एडवाइस ले सकते हो उनको बदले में उन कंपनीज को पैसे देने की उसके बाद आ जाएगा टेस्ट मार्केट मार्केट को टेस्ट कैसे करेंगे बिफोर द एक्चुअल कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे उसको एक टेस्ट मार्केट में रिलीज करेंगे टेस्ट मार्केट में हम लोग उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे उसके बाद करेंगे कि वेदर प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं और उसके बाद पोस्ट सेल्स एनालिसिस एनालिसिस ऑफ पास सेल्स और इन फ्यूचर हम उसके बेसिस पे कितना क्रेडिट कर सकते हैं कि पास हमारी सेल्स कैसी रही है उसके बेसिस पे बढ़ रहा है ट्रेंड या घट रहा है तो उसके बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कनेक्टिंग विद मी आई मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक थैंक यू सो मच